नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश नंदनवार है, मैं एक एग्रीकल्चर से हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कपास की खेती है। यहाँ पर कपास उगाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि कपास के बीच बीच में तुअर के झाड़ है और कुछ मैरीगोल्ड के झाड़ हैं, मतलब गेंदे के झाड़ हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो अपना कपास है ये मेन क्रॉप है, और अगर इसके आसपास अगर अपन ये जो गेंदे के अगर झाड़ वगैरह लगाते हैं तो इसके दोनों के जो पेस्ट है, कीट वगैरह जो भी है वो सेम है, मतलब एक समान है और एक ही है। इसमें क्या होता कि जो कपास में जो कीड़े लगते हैं वो पूरे के पूरे उड़ के फूल के झाड़ों में आ जाते हैं। फूल का झाड़ है वो बर्बाद हो जाता है और अपने मेन जो कॉटन है वो बच जाता है, जिससे अपने को फ़ायदा ज़्यादा होता है। अपन झेंडू के जगह ओकरा लगा सकते हैं, मतलब भिंडी लगा सकते हैं, अंबाड़ी भाजी लगा सकते हैं, ये सब अपन लाइकी।